हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल लर्न विद रेवन। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, रिटायर्ड पेंशनर हैं, या फिर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की न्यूज़ या फिर सैलरीज या जो DNS अलाउंस हाइक होती है उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सैलरी ऑफ सिविल जज, सैलरी ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीज़न फर्स्ट स्टेज ACP। यानी जब एक सिविल जज बनता है लोअर जुडिशियरी के अंदर, तो उसकी सैलरी क्या होती है। एक इससे पहले मैंने वीडियो बना रखा है, ये उसके बाद जब उसका फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज में फर्स्ट ACP में प्रमोशन होता है, उसका ये वीडियो है। और जो पहला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक डाल दूंगा और ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा, आप देख लेना। तो दोस्तों, इसको हम जनरली 3 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे, जैसा कि हम पिछले वीडियोस में करते आए हैं। पहला पॉइंट रहेगा वो रहेगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस या भर्ती प्रक्रिया। देन जो सेकंड पॉइंट रहेगा वो रहेगा डेजिग्नेशन, पद नाम। और थर्ड पॉइंट रहेगा सैलरी या तनख्वाह, ठीक है। और ये सैलरी के बाद अपन पर्क्स भी डिस्कस कर लेंगे, पर्क्स यानी सुविधाएं क्या क्या मिलती है एक जज को फर्स्ट स्टेज ACP के ग्रेड को। फर्स्ट स्टेज ACP है ना, जूनियर डिवीजन, तो उनका डिवीजन हो गया सीनियर है जूनियर। और फर्स्ट स्टेज ACP है, ये आप पे स्केल को बोलते हैं। फर्स्ट स्टेज ACP का मतलब एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन होता है, आगे डिटेल में बताता हूँ। पहला है रिक्रूटमेंट प्रोसेस, उसमें हम जानेंगे सिविल जज को राज्य सरकारें या हाई कोर्ट नियुक्त करती है। जी दोस्तों, जो इसकी रिक्रूटमेंट होती है, कई स्टेट्स में तो अभी तक ऐसा है कि वो स्टेट जो PSC से वो रिक्रूट करते हैं, और कुछ है वो हाई कोर्ट्स नोटिफिकेशन निकालती है। हाई कोर्ट का सिलेबस होता है, सब सारी जो प्रोसेस है वो हाई कोर्ट ही करती है। जैसे राजस्थान के अंदर सपोज जोधपुर में हाई कोर्ट है, और तो HC हाई कोर्ट राजस्थान उसको रिक्रूट करेगी। अर्लियर क्या होता था, RPSC राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन इनको रिक्रूट करती थी। सेकेंड पॉइंट है सिविल जज बनने के लिए LLB की डिग्री चाहिए। जी दोस्तों, यदि आपके पास 3 ईयर लॉ डिग्री या 5 ईयर लॉ डिग्री है, 5 ईयर जो इंटीग्रेटेड आ गई है आजकल BA LLB BB LLB, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। LLB का जो फुल फॉर्म है, कई स्टूडेंट पूछ रहे थे मुझसे, इसका फुल फॉर्म होता है लेक्स लेगम ऑफ बैकलॉरस। सिविल जज बनने के लिए कोई अनुभव की आवश्यकता नहीं होती है। एज यू नो, यू डोंट नीड एक्सपीरियंस इन अ प्रैक्टिस द लॉ। लॉ में आपको कोई प्रैक्टिस नहीं चाहिए सिविल जज में, क्योंकि ये लोअर जुडिशरी का पार्ट है और सब ऑर्डिनेट जुडिशरी का पार्ट है, इसलिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। सिविल जज के लिए 21 वर्ष से 35 वर्ष के LLB डिग्री धारक आवेदन कर सकते हैं। जो पहले एज लिमिट थी, कुछ स्टेट्स में थी 25 और कुछ में थी 23। अब ज़्यादातर स्टेट्स में जो इन मिनिमम एज कर दी वो 21 कर दी है। यदि आपने LLB डिग्री ली, आपकी एज 21 है, सो यू आर एलिजिबल फॉर बिकमिंग अ सिविल जज, यू कैन अप्लाई फॉर इट। और जो मैक्सिमम एज है वो 35 है, 35 के बाद भी आप जज बन सकते हैं, इसके लिए मैं आगे वीडियो लेके आऊँगा। सेकेंड जो पॉइंट है वो बात करेंगे डेजिग्नेशन या पदनाम की। सिविल जज जूनियर डिवीज़न फर्स्ट स्टेज ACP को मुनसिफ सिविल जज भी कहते हैं। जो प्रॉपर डेजिग्नेशन का नाम है वो है मुनसिफ सिविल जज। और जो फर्स्ट स्टेज ACP है, ये पे स्केल का नाम है। जैसे पे स्केल्स होते हैं ना ग्रेड पे, वैसे ही पे स्केल्स होता है ये। सिविल जज जूनियर डिवीज़न फर्स्ट ACP को मेट्रोपॉलियन मजिस्ट्रेट इन मेट्रोपॉलिटन एरिया भी कहते हैं। इन जैसे नॉर्मल जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ नहीं हैं, वहाँ पे इनको आप मुनसिफ सिविल जज के नाम से जानोगे कि ये फर्स्ट स्टेज ACP के कैडर का सिविल जज है। और मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ हैं दिल्ली वगैरह, तो वहाँ पे इनको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी कहते हैं। इनका सेम ही डिजिग्नेशन मानते, बस नाम अलग अलग, मेट्रोपॉलिटन में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और यहाँ पर मुनसिफ सिविल जज। थर्ड पॉइंट जानेंगे वो रहेगा सिविल जज लोअर जुडिशियरी या सब ऑर्डिनेट जुडिशियरी में आते हैं। जैसे अब कि आपको मानता हायर जुडिशियरी होता है, लोअर जुडिशियरी होता है। लोअर जुडिशियरी को आप सब ऑर्डिनेट जुडिशियरी भी कहते हैं जूनियर डिवीज़न में या एंट्री प्रोबेशन लेवल में। और जो हायर जुडिशियरी होती है उसके अंदर डायरेक्ट रिक्रूट होते हैं ADJ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, या सिविल जज प्रमोट होकर ADJ DJ बनते हैं, वो भी हायर जुडिशियरी का पार्ट है। यदि इनकी पद स्थापना कोर्ट की अतिरिक्त होती है, तो इन्हें चीफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर एट जुडिशियल अकेडमी भी बनाया जा सकता है। जी दोस्तों, आप डेपुटेशन जानते होंगे बहुत सारी जगह, जैसे कि पुलिस की एकेडमी है जो सरदार वल्लभ भाई नेशनल पुलिस एकेडमी SPPNA है हैदराबाद के अंदर। वहाँ पे यदि मान लो कोई IPS है, सपोज कि मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ और मेरी पोस्टिंग राजस्थान में हुई, कैडर मुझे राजस्थान का मिला है, देन मैं क्या करूँगा, वहाँ पे डेप्यूटेशन पे चले जाऊँगा, मेरी पोस्टिंग ले लूँगा और वहाँ पे मुझे कोई पोस्ट दे देंगे ACP या सेक्रेटरी या असिस्टेंट सेक्रेटरी, तो ऐसी कोई पोस्ट मिल जाती है। वैसे भी नेशनल जुडिशियल एकेडमी होती है, वहाँ पे यदि आप डेप्यूटेशन पे काम करना चाहते हो तो उसमें CAO चीफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर बन सकते हो जुडिशियल एकेडमी का, यदि आप मुनसिफ जज और ये नहीं बनना चाहो तो।
थर्ड पॉइंट रहेगा वो इम्पॉर्टेंट है, वो रहेगा सैलरी के बारे में। सबसे पहले ये कुछ पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, देन मैं आपको पे बताऊंगा कैसी क्या रहती है इनकी। हर राज्य के सिविल जज जूनियर डिवीज़न फर्स्ट स्टेज एसीपी की तनख्वाह बराबर होती है। जी दोस्तों, एज यू नो कि ये एनजेपीसी के तहत इनकी सैलरी आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग होती हैं और एनजेपीसी का जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं अलग होते हैं। एनजेपीसी की मतलब एक ही सैलरी रहेगी, पूरे भारत में कई पोस्टिंग हो, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रेलवे एम्प्लॉयज है और डिफेंस एम्प्लॉयज है, चाहे उनकी पोस्टिंग कहीं भी हो, उनकी सैलरी सेम रहेगी। देन नेक्स्ट पॉइंट है, अभी तक सिविल जज की तनख्वाह फर्स्ट एनजेपीसी के हिसाब से मिल रही है, जो पहला नेशनल जुडिशियल पे कमीशन है उसके अकॉर्डिंग ही इनकी सैलरी मिल रही है। और जैसे कि आप जानते हैं कई राज्यों में सातवें वेतन लग गए, केंद्र में सातवां वेतन लग गया, डिफेंस में लग गया, तो इनके अभी तक कोई ऐसा लगा नहीं है। जो सेकेंड नेशनल जुडिशियल पे कमीशन है उसकी रिकमेंडेशन आ चुकी है और जिस दिन वो अप्लाई होगा तब मालूम पड़ेगा जज की सैलरी कब बढ़ेगी कब नहीं। जो थर्ड पॉइंट है वो ये है, यह तनख्वाह मात्र 5 साल तक रहती है, उसके बाद सिविल जज जूनियर डिवीज़न फर्स्ट स्टेज एसीपी का प्रमोशन हो जाता है एवं वह सिविल जज जूनियर डिवीज़न सेकंड स्टेज एसीपी के पद पर आ जाता है। दोस्तों सबसे पहले जब आप सिविल जज का एग्ज़ाम क्रैक करते हो तब आप बनते हो सिविल जज जूनियर डिवीज़न और प्रोबेशनरी पीरियड आपका रहता है, उस टाइम एंट्री लेवल होता है। देन 2 साल प्रोबेशन के बाद में 2 या 3 साल का प्रोबेशन रहता है, ये वेरी करता है स्टेट टू स्टेट। उसके बाद आपका प्रमोशन हो जाता है, यानी फर्स्ट एसीपी, फर्स्ट एश्योर्ड करियर प्रोगेशन, यानी आपको 2 साल के बाद में फिक्स आपका प्रमोशन होगा, आप फर्स्ट स्टेज एसीपी में आ जाओगे और वहाँ आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। वैसे ही यह जो फर्स्ट स्टेज एसीपी की जो सैलरी रहेगी ये आपकी फिक्स 5 साल रहेगी। देन आफ्टर 5 ईयर्स क्या होगा कि आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, उससे पहले भी आप प्रमोट हो सकते हो। जैसे आपकी यदि वर्किंग स्किल्स अच्छी है या आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको 3 साल में ही सेकंड स्टेज एसीपी में डाल दिया जाएगा, वरना फिक्स 5 साल बाद तो आपको सेकंड स्टेज एसीपी में प्रमोट किया ही जाएगा और उसकी सैलरी अलग होती है, उसके लिए भी मैं वीडियो लेके आऊँगा। और उसकी डिजिग्नेशन भी अलग होती है, उनकी पोस्टिंग अलग होती है, डेप्यूटेशन में पोस्टिंग अलग होती है। अब हम सैलरी डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक पे मूल वेतन 33,090 रुपये होता है, महंगाई भत्ता DNS अलाउंस 54,000 रुपये होता है। द फादर ऑफ ऑल अलाउंसेज DNS अलाउंस, बिकॉज ये हर 6 महीने में हाइक होता है और जैसे ही नेशनल वो नया वेतन आयोग लगता है वैसे ही ये जीरो हो जाता है। DA पे वीडियो बना रखा है, मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। CCA है 500 सिटी कंपनसेंट्री अलाउंस है शायद ये, और फिर समटेरियल अलाउंस 1500, होम ऑर्डरली अलाउंस 2000, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन अलाउंस 500, HR 3300 मिनिमम। कई स्टेट्स में ये वेरी कर सकते हैं, अलाउंसेस स्टेट पर डिपेंड करते हैं, कई में थोड़ा और कई में ज़्यादा ऐसा चलता रहता है। तो जो इनकी ग्रॉस सैलरी रहेगी वो 95,000 रहेगी और ये कैन बी वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट पे वेरी करती है, कहीं में मैगजीन अलाउंस ज़्यादा है, कहीं न्यूज़पेपर अलाउंस ज़्यादा है, ऐसा रहता है। और जो HRA है वो यदि आपको बंगलो मिला हुआ है तो यू आर नॉट एंटाइटल फॉर हाउस रेंट अलाउंस, अदरवाइज यू विल गेट द HRA। और अब नेट सैलरी की बात करते हैं, ग्रॉस सैलरी माइनस डिडक्शंस इज इक्वल टू नेट सैलरी। अब डिडक्शंस होते हैं 6,500 के अराउंड, ऊपर नीचे ये भी हो सकता है। SIP, SIP या SI, स्टेट इंश्योरेंस या स्टेट सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, या ये 1500 रुपये का इन्वेस्टमेंट होता है। प्रोविडेंट फंड PF या NPS जो है वो 5,000 रुपये कटते हैं, LIC की कटते हैं। इनकम टैक्स IT यदि इनकम टैक्सेबल, ये तो इनकम टैक्सेबल होती है, और कुछ डिडक्शन लेते हैं, लोन वगैरह ले रखा है तो फ़ायदा मिल जाता है। तो जो नेट सैलरी आपकी बनेगी वो बनेगी अराउंड 91,000 के आसपास आपकी नेट सैलरी बनेगी। और अब मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो रहेगा पक्स का फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलती है, एक सिविल जज किन किन फैसिलिटीज़ या पक्स को एंटाइटल करता है। तो देखते हैं क्या क्या फैसिलिटीज़ है, पक्स और फैसिलिटीज़ टू द जजेस, स्पेशली टू फर्स्ट स्टेज ACP सिविल जज जूनियर डिवीज़न वालों को। गवर्नमेंट बंगलो मिलेगा, 90% केसेस में गवर्नमेंट बंगलो मिलेगा यदि आपकी कहीं तहसील में या सब डिवीजन में पोस्टिंग है तो। सेकंड फैसिलिटी मिलेगी गवर्नमेंट व्हीकल, सरकारी गाड़ी मिलेगी, और सरकारी गाड़ी नहीं मिलेगी तो ऐसा वो कॉन्ट्रैक्ट पे लेके आपको गाड़ी दे देंगे या फिर TPTA ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। फिर टेलीफोन चार्जेस मिलते हैं, 1,000 कॉल, 10,000 कॉल, ये स्टेट पे वेरी करता है, ये टेलीफोन चार्जेस मिलते हैं आपको। हाफ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस मिलते हैं, कई जगह होता है रिम्बर्समेंट ऑफ यूनिट्स होता है, यानी 1,000 यूनिट आती है आपके तो आधी 500 यूनिट का बिल स्टेट पे करेगी, 500 का आप पे करेंगे। देन होता है वाटर चार्जेस, आपको 10,000 लीटर या 20,000 लीटर कुछ पानी होता है वो भी मुफ्त मिलता है राज्य सरकार के द्वारा। देन मैन है, जो गनमैन जो कमेंट भी आए थे पिछली वीडियो में, ये जो आपका गनमैन होता है वो स्टेट पुलिस का कांस्टेबल होता है। एज यू नो स्टेट पुलिस में कांस्टेबल्स होते हैं, सिपाही होते हैं,
और उन्हें एज अ गनमैन आपको प्रोवाइड किया जा सकता है आपकी सुरक्षा के लिए, और वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एवं शेयर कीजिए, और जितना आप ज़्यादा वीडियो शेयर करोगे, सपोज जिस दिन भी 1000 व्यूज़ आ जाएंगे देन आई विल पोस्ट न्यू वीडियो सिविल जज जूनियर डिवीज़न सेकेंड स्टेज SCV। थैंक यू दोस्तों।